सबसे पहली बात तो ये सीट बेल्ट हालांकि पहले लगा लेता हूँ वीडियो में आपको बताने के लिए आप लगा रहा हूँ पोजीशन में रखो। कई बंदे प्रो ड्राइवर बनते हैं उसको एक हाथ से पकड़ लेते हैं, लेकिन जो रियल गाड़ी चलाने का मजा है और जो हमें कॉन्फिडेंस रहता है हमारे स्टीयरिंग व्हील पर कार के कंट्रोल पर वो भाई रहता है हमें दोनों हाथों से पकड़ने पर। ये कार में बीप के साउंड, कार अब फिलहाल तीसरे गियर में चल रही है, हमेशा गियर को रोड के अनुसार चेंज करें, स्पीड भी देखें लेकिन रोड के अनुसार भी गियर को चेंज करें। मैं स्पीड खींच के चौथे गियर में कार को कर सकता हूँ, तीसरे में है, लेकिन सामने भाई रोड है और मोड है टूटा फूटा है, इंडिकेटर हमने दे रखा है लेकिन पीछे से जो व्हीकल है वो अपनी स्पीड में चले आते हैं तो पहले उनको जाने दो, कार दूसरे गियर में देखे। किया वाला भाई समझदार बंदा था, मैंने राइट का इंडिकेटर दे रखा है, उसने अपनी कार को लेफ्ट में कर लिया है। बड़े व्हीकल के आगे कभी भी ना डालो, उनके ब्रेक टाइम पर नहीं लगते हैं क्योंकि जब भी आप ड्राइविंग कर रहे हैं आप लोकल में हो या रोड पर हो, सबसे पहले तो दो चीजों का हमेशा ध्यान रखें भाई, मैं तो हमेशा उन्हें प्रैक्टिकली लाइफ में यूज करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये सीट बेल्ट हालांकि पहले लगा लेता हूँ वीडियो में आपको बताने के लिए आप लगा रहा हूँ। सबसे पहले तो भाई अपना सीट बेल्ट लगा लो, ये लग गई है। सीट बेल्ट लगाने के बाद स्टीयरिंग व्हील को कुछ इस पोजीशन में रखो। कई बंदे प्रो ड्राइवर बनते हैं उसको एक हाथ से पकड़ लेते हैं, लेकिन जो रियल गाड़ी चलाने का मजा है और जो हमें कॉन्फिडेंस रहता है हमारे स्टीयरिंग व्हील पर कार के कंट्रोल पर वो भाई रहता है हमें दोनों हाथों से पकड़ने पर। ये कार में बीप के साउंड सुन रहे हैं, तो जैसे ही साइड वाली सीट है उस पर कोई अगर नहीं बैठा होगा तो ये साउंड बीप की नहीं आते, लेकिन साइड पैसेंजर को भी भाई सीट बेल्ट पहनाओ, फिलहाल उसके ऊपर सामान रखा हुआ तो इसलिए है। ये कार अब फिलहाल तीसरे गियर में चल रही है, हमेशा गियर को रोड के अनुसार चेंज करें, स्पीड भी देखें लेकिन रोड के अनुसार भी गियर को चेंज करें। मैं स्पीड खींच के चौथे गियर में कार को कर सकता हूं, तीसरे में है, लेकिन सामने भाई रोड है और मोड है टूटा फूटा है, इसलिए हम स्पीड को इतना ज्यादा खींच नहीं रहे हैं। अब जैसे देखेगा यहाँ पर ये गोल चक्कर आ गया है, तीसरे गियर में भी अब एक्सेलरेशन मैंने छोड़ दिया है। बाइक वाला देखिए भाई ऐसे महामूर्ख प्राणी भाई, आपको बस रोड यूट्यूब है भाई, थोड़ा ना गाली देने का मन करा सको जरूर मिलेंगे। आप बिल्कुल ठीक चल रहे हो, आपके व्हीकल के साथ बिल्कुल घिसा के बिल्कुल उसको अंदर छोड़ के चलेगा, ऐसे भाई महामूर्खों से एक तो हमेशा बचकर रहो। दूसरा ये है जैसे कि सामने बैरिकेड आ गए हैं तो इनमें सामने से कार आ रही है उसको एक बार ये देखिए भाई, ये भी मूर्ख प्राणी एक से एक मिलते हैं आपको, देखेंगे आप कहाँ ले जाएगा, ये रोक दिया हमने तो आगे ले जाएगा भाई। हर एक तरह के बंदे मिलेंगे, अगर ऐसी कुछ सिचुएशन हो रही है तो कार को अपना थोड़ा सा आगे कर लो। अब जैसे निकाल रहा है ORBM को भाई बिल्कुल ही नीचे करके रखो, सामने भी बैरिकेड है उस पर टायर चला जाएगा, कोई फायदा नहीं है। ये है जैसे ये हमारा लेफ्ट वाला ORBM है, इससे अब भी निकल गया है तो कार को बेशक इधर की साइड पूरी मोड़ दो, कोई भी दिक्कत नहीं है, कार बिल्कुल भी लगेगी नहीं आपकी। देन सेकंड गियर कर दिया दोबारा तुरंत ही। तो जब भी बोलते हैं भाई कार को चलाने में और एक्सपीरियंस होने में काफी ज्यादा फर्क होता है, कार को चलाने में आपको कार का स्टीयरिंग व्हील पकड़ना आ गया, गियर लगाने आ गए ठीक है, लेकिन जो प्रैक्टिकली होती है वो होती है रोड पर, हर एक तरह की सिचुएशन है उसको आप कैसे हैंडल करोगे। अब आपने देखा था एक तो बाइक वाला चल रहा था, अगर मेरा लेफ्ट ओवर व्यू में ध्यान नहीं होता तो बाइक वाला कार में मारता, इसमें ज्यादा नुकसान मेरा ही था। फिर दूसरा ये था जैसे वो MG वाले आए थे, जब उन्हें ये दिख रहा है कि सामने से गाड़ी आ रही है बैरिकेड में से सिंगल गाड़ी निकलने की जगह भाई, फिर भी वो घुसा रहे हैं। देखो भाई घुसाने को तीन गाड़ी घुसा दो, मुझे मेरी ड्राइविंग पर कॉन्फिडेंस है कि मैं वहां से निकाल दूंगा, लेकिन आपको ये कुछ छोटी छोटी चीजें याद रखनी होती हैं क्योंकि अगर इनमें कार लग भी गई तो वो आपका ही नुकसान है भाई, कार आपकी ही है किसी और की नहीं है। अब ऐसे में मुझे सामने ट्रैफिक दिख रहा काफी ज्यादा, तो थोड़े एक बार एक दो सेकंड के लिए कार को इनिशियली शॉर्ट स्पीड में करो, स्लो में, और ये देखो कि कौन कहाँ पर जा रहा है, किसकी क्या एक्टिविटी है, हमें क्या मूवमेंट लेनी चाहिए। जैसे ट्रैक्टर वाला है, ये ट्रक को ओवरटेक कर रहा है ठीक है, ये अपनी लेन में पूरा चला गया तो मैंने भी एक्सेलरेशन कर दिया है। मेरी कार चौथे गियर में है तो मैंने गियर डाउन नहीं करा क्योंकि मुझे इतनी ज्यादा जरूरत महसूस नहीं लगी गियर डाउन करने की, अब आराम से चल रहे हैं। लेफ्ट में कर लेते हैं भाई, इससे भी थोड़ा आगे निकल लेते हैं ट्रक से, पहले ओवरटेक कर लेते हैं। बड़े व्हीकल से तो हमेशा डिस्टेंस काफी ज्यादा मेंटेन रखो, अचानक से ब्रेक लग सकते हैं। अब मुझे थोड़ा खींचना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट में ट्रक है और सामने चल रहा ट्रैक्टर, अगर मैं कार को ऐसे ही स्लो रखूंगा तो इन दोनों के बीच में आ जाएंगे भाई, फंस जाएंगे, कहीं जाने का रास्ता नहीं है। तो एक ये भी ओवरटेक के लिए होता है, ओवरटेक का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कार को साइड में रास्ता दिख गया तो निकाल ली, सबसे पहले तो ये देखो कि आगे क्या चीज चल रही है। अब आप ओवरटेक कर रहे हो, आगे चल रहा हो कुछ और, सीधा जाके उसमें लग जाएगी कार, उसमें भिड़ जाएगी सीधा जाके, तो ओवरटेक करते समय उन चीजों का भी ध्यान रखें। अभी ट्रैक्टर है, इसकी मूवमेंट को देखते हैं कहाँ जाएगा, हमने हल्की हल्की ब्रेकिंग चालू कर दी है क्योंकि हमारे पीछे है भाई ट्रक, अब ट्रक एकदम रुक नहीं पाएगा तो अपने हल्की ब्रेकिंग चालू कर दो ताकि उसको पता लग जाएगी स्लो हो रहे हैं।
लेफ्ट में जाना, लेफ्ट इंडिकेटर दे दिया मुझे, जाना तो भाई उधर है राइट की तरफ, लेकिन कभी भी रॉन्ग साइड ना चलो, थोड़ा सा चल लंबा घूम के चले जाइए। बाइक वाले देखो भाई लाइन लगी हुई है कितने ज्यादा रॉन्ग साइड है, बाइक वाले की भी कोई गलती नहीं भाई, जब कार वाले खुद चलते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा कार को रेस्ट करके खींचना पड़ेगा क्योंकि काफी ज्यादा ट्रैफिक है और मुझे राइट साइड में जाना है। ये NH44 मेन नेशनल हाईवे है, इसे क्रॉस करना है जिसमें कि दो रोड नीचे उतर के आ रहे हैं, एक पे मैं चल रहा हूँ, एक ऊपर से आ रहा है और मुझे जाना है बिल्कुल थर्ड रोड पर ही जाना है। ओला वाले देखेगा चल रहे, जाने देते हैं। इंडिकेटर हमने दे रखा है लेकिन पीछे से जो व्हीकल है वो अपनी स्पीड में चले आते हैं, तो पहले उनको जाने दो, कार दूसरे गियर में। देखिए किया वाला भाई समझदार बंदा था, मैंने राइट का इंडिकेटर दे रखा है, उसने अपनी कार को लेफ्ट में कर लिया है। अब एक यहाँ पर हमको घूम के तो जाना ही है लेकिन सामने से हमें ये भी देखना है कि क्या व्हीकल आ रहा है। अब जो सामने से वोल्वो की बस आ रही काफी डिस्टेंस है लेकिन इस ट्रक में नहीं है, तो ट्रक को जाने देती है आगे। बड़े व्हीकल के आगे कभी भी ना डाओ, उनके ब्रेक टाइम पर नहीं लगते हैं क्योंकि प्रेशर ब्रेक होते हैं। अब देखिएगा भाई बिल्कुल ट्रकों के जंजाल के